नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत अकेडमी मैथ्स में और मेरा नाम है मंजीत प्रजापति। दोस्तों आज हम 100 धमाका ट्रिक सीरीज का पार्ट नंबर 15 पढ़ेंगे, जिससे पहले हमने 14 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। दोस्तों आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम आधा मिनट में कवर करेंगे, ठीक है? आप देख सकते हो। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है? चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखो कैसे फ्यू सेकंड में ही अपन इनका सोल्यूशन निकालेंगे। देखो 4/2, 8/6, 16/8 का LCM ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन को कैसे करना होता है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहली प्रोसेस 4/2, 8/6 और 16/8 का क्या निकालना है, LCM। LCM अब मेरी बात समझना दोस्तों, क्या निकालना है अपन को, LCM। तो पहली बात यहाँ पर ध्यान देना, पहले तो आप एक लाइन खींच लो। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अपनी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है दोस्तों, ट्रिक अपनी ये है कि अपनी बात ऊपर होनी चाहिए। क्या अपनी बात, सबसे अपनी बात क्या होनी चाहिए, ऊपर। समझ रहे हो बात को, अपनी बात। अपन से पूछा क्या है दोस्तों, LCM, LCM पूछा है। तो ऊपर की संख्या का तो हम लेंगे दोस्तों LCM और नीचे की जो संख्या है उनका क्या लेंगे अपन, HCF। समझ रहे ना बात को। तो 4, 8, 16 का LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM हो जाएगा 16, और 2, 6 और 8 का LCM, HCF क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 2। तो दोस्तों अपना आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, ऊपर का तो LCM, नीचे का HCF। अगर LCM पूछे तो ऊपर LCM रखो, नीचे क्या लेना पड़ेगा, HCF। अगर HCF पूछे तो नीचे LCM। समझ रहे ना। देखो इसी टाइप के एक और क्वेश्चन है कि 25/10, 75/25 और 150/45 का क्या निकालना है अपन को, LCM। तो बताओ 25, 75 और 150 का तो क्या लेंगे हम, LCM बटे में, और नीचे जो 10 और 25 और फिर 45 है इनका क्या लेंगे दोस्तों, HCF। तो क्या बात है, अपनी बात कहाँ होनी चाहिए दोस्तों, ऊपर होनी चाहिए। तो 25, 75 और 150 का LCM क्या होगा, 150 होगा। और जिनका 10, 25 और 45 का क्या होगा दोस्तों, 10 और 25 और 45 का अपना जो HCF, HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। ये अपना हो जाएगा परफेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी ये LCM की बात है, अपन चलते हैं HCF पर, ठीक है दोस्तों? क्या करना है, LCM पूछे तो ऊपर LCM निकालो, नीचे HCF। LCM पूछा तो ऊपर का LCM, नीचे का HCF, ये ट्रिक है, ठीक है? अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कर दोस्तों, आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, ठीक है? थोड़ा इंक्रीज करवाइए इस चैनल को, ठीक है? चलिए दोस्तों अब अपन बढ़ते हैं अगली ट्रिक पर, ठीक है? अब HCF दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है? जैसे मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रख देता हूँ, जैसे 21, 42, 21, 42, 14, ठीक है? इनके बटे में है अपना दोस्तों 14, 28 और 56, ठीक है? इनका निकालना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, HCF, HCF क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है? अगला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निकाल सकते हो आप लोग, निकाल के देखो। वही चीज रखना है, यहाँ पर HCF पूछा तो ऊपर HCF, HCF पूछा तो ऊपर HCF, नीचे क्या, LCM। निकालो जल्दी से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ जब तक। अगला क्वेश्चन है 8, 32, 27, इनके बटे में दोस्तों 11, 22 और 44, इनका भी निकालना दोस्तों HCF या फिर मासापा, है ना, ठीक है? तो आप निकाल सकते हो। क्या करना है दोस्तों, ऊपर का तो हमें अपनी बात क्या रखनी चाहिए दोस्तों, ऊपर, ये याद रखना। ट्रिक क्या है, अपनी बात ऊपर। तो बताओ 21 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 21, 42 और 14 का HCF क्या होगा, देखो 7, 7 3 21, 6 7 42, 7 2 14, HCF हो जाएगा 7, और इनका तो क्या निकालेंगे अपन, LCM। तो 14, 28, 56 का LCM क्या हो जाएगा इनका, 56। तो ये हो जाएगा अपना परफेक्ट आंसर,
ठीक है दोस्तों, सात बेटे छप्पन। अभी इसी टाइप के करेंगे ऊपर का। देखो एचसीएफ पूछा तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, हमेशा याद रखना ऊपर का एचसीएफ नीचे क्या होना चाहिए, एलसीएम। एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। अब यहाँ पर ध्यान दे, देखो आठ बत्तीस, आठ बटे ग्यारह, बत्तीस बटे बाईस, सत्ताईस बटे चवालीस का क्या निकालना अपन को, एच सी एफ। तो ऊपर की संख्याओं का तो क्या निकालना है दोस्तों, एच सी एफ निकालना है, और नीचे की क्या निकालना है, एल सी एम। तो यहाँ पे लिख लो आप अच्छे से, एच सी एफ बटे एल सी एम। एच सी एफ पूछे तो ऊपर एच सी एफ, नीचे एल सी एम। आठ बत्तीस और सत्ताईस का एल सी एम क्या होगा, देखो दोस्तों यहाँ पर आठ और बत्तीस कॉमन है लेकिन सत्ताईस नहीं है, मतलब आठ के पारे में बत्तीस आता है लेकिन सत्ताईस नहीं आता। तो इसका जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ एच सी एफ एक होता है, बटे में ग्यारह बाईस चवालीस का एल सी एम क्या होगा, वो हो जाएगा चवालीस। ठीक है, तो एक बटे चवालीस ही हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। दोस्तों ट्रिक अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितना हो सके सपोर्ट चाहिए आपका दोस्तों, सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।